दोस्तों वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग से चर्चा करेंगे भारत में उद्योग के बारे में, विशेष करके भारत में कितने औद्योगिक प्रदेश हैं और उसकी विशेषताएं क्या है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं भारत के उद्योग के बारे में डिटेल से और बिहार के उद्योग के बारे में डिटेल से मैं चर्चा करूंगा। तो आज देखते हैं भारत को मुख्यतः कितने औद्योगिक प्रदेश में बांटा गया है और उसकी विशेषताएं क्या है। इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर औद्योगिक प्रदेश कहते किसको हैं, किसको डिफाइन करेंगे कि वो औद्योगिक प्रदेश है या नहीं है। तो सबसे पहले परिचय हम लोग चलते हैं। औद्योगिक प्रदेश से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहां पर विभिन्न प्रकार के उद्योग यानी इंडस्ट्री एवं कल कारखाने स्थापित हों तथा औद्योगिक भूदृश्य उपस्थित हों। साधारण किसी भी ऐसे क्षेत्र को जिसमें कुछ बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले कारखाने केंद्रित मिलते हो, यानी किसी बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले कारखाने केंद्रित होते हैं उसे औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है, या उसे हम औद्योगिक प्रदेश कह सकते हैं। ठीक है, तो अब डिटेल से हम लोग देखते हैं कि भारत को कितने औद्योगिक प्रदेश में मुख्य रूप से बांटा गया है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे भारत को मुख्य रूप से 8 औद्योगिक प्रदेश में बांटा गया है। आप लोग देख रहे होंगे पहला हुगली औद्योगिक प्रदेश, भारत के मैप भी आप लोग को दिख रहा होगा, ये हुगली औद्योगिक प्रदेश हो गया। दूसरा आपका हो गया मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा होगा छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, ये छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश हो गया। चौथा होगा दिल्ली गुरुग्राम औद्योगिक क्षेत्र हो गया। पांचवा हो गया आपको विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश हो गया। ठीक है, छठा हो गया आपको बंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश, छठा होगा बंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश। सातवां आपका होगा कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश हो गया। आठवां आपका हो गया अहमदाबाद औद्योगिक प्रदेश। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि मुख्यतः 8 औद्योगिक प्रदेश में बांटा गया है। अगर एक एग्जामिनेशन हॉल में पूछ दे तो आप लोग मैप के साथ बनाइए, ज्यादा इफेक्टिव हो रहेगा। किसी चीज में ज्योग्राफी या हिस्ट्री किसी चीज में अगर वहां पे जरूरत हो, नहीं जरूरत हो तो अपने से क्रिएट करके वहां पे आप डायग्राम बनाने का प्रयास कीजिए, वहां पे ज्यादा नंबर उठने की संभावना रहती है। ठीक है, अब देखेंगे कि हुगली औद्योगिक प्रदेश इसकी विशेषताएं, हम लोग भारत का औद्योगिक प्रदेश की देख लिए कि कितने औद्योगिक प्रदेश में बांटा गया है। अब इनकी विशेषताएं हुगली औद्योगिक प्रदेश को हम उठाते हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश, इसका सबसे पहले तो परिचय, भारत के सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र हुगली औद्योगिक प्रदेश ही है। ठीक है, इसकी विस्तार हुगली नदी के दोनों ओर है। आप लोग देख रहे होंगे नीचे हुगली नदी, ये हो गया हुगली नदी मैं बनाया हुआ हूं। ठीक है, ये हुगली नदी आपका हो गया, हुगली नदी के दोनों ओर देख रहे हैं कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का बिरला बाजार, बजबज, कोलकाता, आलमगढ़, टीटागढ़, बैरकपुर, काकीनाडा इत्यादि इस क्षेत्र में देखेगा, उलबेरिया, शिवपुर, हावड़ा, बेल्लूर, चंद्रनगर, बांसवेरिया, दोनों मतलब हुगली नदी जो है दोनों तरफ औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है, बहुत सघन यानी बहुत घना वहां पे है। हुगली नदी के लंबाई 120 किलोमीटर है, वहीं चौड़ाई 11 किलोमीटर है। ये हुगली जो क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र के ही नाम से जाना जाता है, बहुत यहाँ पे घना औद्योगिक क्षेत्र है। भारत के लगभग 20% यानी 20% मूल्य की औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन हुगली क्षेत्र से ही होता है, यानी समझ सकते हैं कि इनका इम्पोर्टेंट क्या है। लगभग 20% भारत का बहुत ज्यादा होता है, 20% मूल्य की औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण हुगली औद्योगिक क्षेत्र से ही होता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसका हुगली औद्योगिक प्रदेश की विशेषताएं देख लिए। अब यहाँ पे देखिएगा हुगली औद्योगिक प्रदेश के मुख्य उत्पादन क्या क्या है, इस क्षेत्र में मुख्य उत्पादन क्या क्या है। आप जैसा कि देख रहे होंगे हुगली यानी पश्चिम बंगाल जूट
सबसे ज्यादा वहाँ उत्पादन होता है। तो सबसे पहले जूट के लगभग 70% सामान यहीं से मिलता है या यहीं पे बनाया जाता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में जूट का कारखाना 56 है, यानी 56 में वेस्ट बंगाल में जूट का कारखाना है, जबकि 53 यानी 53 औद्योगिक क्षेत्र यानी हुगली औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित है। इसका मुख्य केंद्र है जूट का टीटागढ़, बजबज, हल्दिया, कोलकाता, हावड़ा, जो आप देख रहे होंगे, एक टीटागढ़ हो गया, बजबज हो गया, हल्दिया, कोलकाता देख रहे होंगे, कोलकाता, हावड़ा इत्यादि जगह इसकी जूट का मुख्य जगह है। दूसरा देखिएगा, यानी मुख्य उत्पादन यहाँ के तीन भागों में बांटा गया है, एक जूट उत्पादन, कागज उद्योग और सूती वस्त्र में। दूसरा देखिए कागज उद्योग, तीन बड़े कारखाने कागज उद्योग का हुगली औद्योगिक प्रदेश में ही हैं, ठीक है, जैसे टीटागढ़, बांसबेरिया और नौहाटी, ये हुगली औद्योगिक प्रदेश में ही है। फिर सूती वस्त्र का देखिएगा, इस क्षेत्र में सूती वस्त्र के 53 इकाई स्थापित है, यानी 53 इकाई स्थापित है सूती वस्त्र के इस क्षेत्र आप देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आर्द्र जलवायु, यहाँ पे क्या है, आर्द्र जलवायु, सस्ते श्रमिक, बृहत बाजार, परिवहन की सुविधा, ये सब चीज हुगली औद्योगिक प्रदेश में आसानी से मिल जाता है। अन्य उद्योग यहाँ पे हो गया हुगली औद्योगिक प्रदेश में, मोटर पार्ट यहाँ पे भी बनता है, छोटे जहाज का निर्माण हुगली औद्योगिक प्रदेश में होता है, शराब इत्यादि का निर्माण हुगली औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है, मानिकपुर में तैयार वस्त्र का निर्माण होता है, फिर हावड़ा के दक्षिण में सेज का भी निर्माण किया जा रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे सबसे पुराना हुगली औद्योगिक क्षेत्र है और सबसे ज्यादा विकास हुगली औद्योगिक क्षेत्र का भी है। सेज का निर्माण भी हावड़ा के दक्षिण में किया जा रहा है। अब देखिएगा विकास के लिए अनुकूल दशाएं क्या क्या है हुगली औद्योगिक क्षेत्र में। तो सबसे पहले तो देखिएगा ब्रिटिश राज की प्रारंभिक राजधानी रही थी, ब्रिटिश राज की प्रारंभिक राजधानी रहने के कारण यहाँ पे विकास बहुत ज्यादा हो गया और ब्रिटिश अपने हित में यहाँ पे विकास ज्यादा किए थे, ठीक है। फिर देखिएगा निर्यात की यहाँ पे सुविधा है, निर्यात की सुविधा रहने के कारण ये क्षेत्र ज्यादा विकास हुआ है। आप देख रहे हो कि हुगली नदी के दोनों तरफ जहाज से भी यहाँ पे आयात निर्यात कर सकते हैं, कच्ची माल का भी यहाँ पे सुविधा है, तो इसके चलते निर्यात की सुविधा और निर्यात भी कर सकते हैं यहाँ से बाहर हम। सस्ते श्रमिक यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, ठीक है, कच्चे माल की प्रचुरता है हुगली औद्योगिक क्षेत्र में, यातायात के माध्यम से अन्य शहरों की कनेक्टिविटी यहाँ से जुड़ी हुई है, सड़क मार्ग से भी, समुद्र मार्ग से भी, सभी तरह से यहाँ यातायात के साधनों की कनेक्टिविटी अच्छी है, इसलिए इस क्षेत्र की ज्यादा विकास हुआ है। फिर विस्तृत बाजार है, अपने आप में पश्चिम बंगाल या पूरे भारत ये एक बड़े बाजार है, वहाँ बड़े बाजार के रूप में इसका बहुत महत्व रखता है और विस्तृत बाजार है, ठीक है। अनुकूल आर्द्र जलवायु है वहाँ का, ठीक है, ये सब विकास के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध करवाता है हुगली औद्योगिक प्रदेश को। नेक्स्ट देखिएगा समस्याएं, अब जहां पे अनुकूल दशाएं हैं यानी विकास भी हो रहा है, वहां पे प्रतिकूल दशाएं भी यानी समस्याएं भी उत्पन्न होगी ही होगी। सबसे पहले तो बढ़ती जनसंख्या, यहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया, आप देख रहे हो हुगली के कलकत्ता वगैरह है, बहुत ज्यादा जनसंख्या वहां पे, जिसके चलते वहां मलिन बस्तियों की वृद्धि हो रही है, मकानों की कमी हो रही है, वहां पे जगह नहीं बचा है, तो ये सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। प्रदूषण की समस्या एक अन्य बहुत बड़ा कारण है, प्रदूषण की समस्या देख रहे होंगे हुगली नदी के दोनों तरफ पूरे औद्योगिक प्रदेश ही बचा हुआ है, बसा हुआ है, तो औद्योगिक प्रदेश बसे रहने के कारण सभी गंदगी हुगली नदी में ही गिराया जाता है और धीरे धीरे वो प्रदूषण ज्यादा बढ़ते जा रहा है। भूमि अधिग्रहण की भी वहाँ पे समस्या बहुत ज्यादा है, कुशल श्रमिकों की वहाँ पे कमी है, वहाँ पे टेक्निकल स्टाफ यानी टेक्निकल कर्मी बहुत कम है, वहाँ पे
अनट्रेंड वहां पे मजदूर मिलेंगे। और आज के औद्योगिकरण में विकास के लिए क्या चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए, कुशल प्रबंधन चाहिए, जो वहां कम है और कम मात्रा में है वहां पे। नेक्स्ट देखिए, पूंजी निवेश की भी वहां पे समस्या है, क्योंकि सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पूंजी निवेश भी नहीं करना चाहते हैं। श्रम संगठनों की बहुलता है वहां पे, सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वहां पे श्रम संगठन बहुत मजबूत है, और जिसके कारण समय समय पर हड़ताल, तालाबंदी जैसे वहां पे होते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नई तकनीकी का प्रयोग वहां पे कम है, क्योंकि पहले से ही सघन यहाँ पे इंडस्ट्री बसा हुआ है, इसलिए वहाँ नई टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत कम होता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ के संभावनाएं क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो भारत स्वयं ही एक बृहत बाजार है, तो ये बहुत बड़ी संभावना है, इसका विकास किया जा सकता है, यहाँ इंडस्ट्री पर खर्च किया जा सकता है, क्योंकि भारत खुद अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है। कच्चे माल की यहाँ पे बहुलता है, नदी के किनारे रहने के कारण, यहाँ आयात और निर्यात की सुविधा रहने के कारण कच्चे माल की बहुलता यहाँ पे होती है। दूसरे जगह से भी कच्चे माल यहाँ पे मंगा सकते हैं, और यहाँ खुद अपने आप में एक कच्चे माल का उत्पादक है। नेक्स्ट जगह का सस्ते श्रमिक की यहाँ पे उपलब्धता है, सस्ते एक प्लस पॉइंट है, किसी भी इंडस्ट्री या औद्योगिक क्षेत्र लगाने के लिए हमें श्रमिक चाहिए, और उसमें कोई भी और जो भी औद्योगिक लगाता है अपने सस्ते मजदूर खोजता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बचत हो सके, लागत कम और बचत ज्यादा कोई भी पूंजीपति चाहता है, ठीक है। फिर NRI द्वारा पूंजी निवेश की रुचि यहाँ पे दिखलाई जा रही है, ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। NRI के द्वारा पूंजी निवेश की यहाँ पे अगर हो जाएगा तो प्लस पॉइंट बहुत बड़ी है। फिर आयात निर्यात की सुविधा यहाँ पे अच्छा है, यहाँ से आपकी हवाई कनेक्टिविटी, जल कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से है और बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पे आयात निर्यात की सुविधा बहुत अच्छा है। ये आप लोग देख लिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश और भारत के औद्योगिक प्रदेश को मुख्यतः कितने भागों में हम बांट सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये सब मैप जरूर बनाइएगा, ताकि आप लोगों को नंबर मैप पे ज्यादा उठता है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भारत में उद्योग डिटेल से या भारत में इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो मैं वीडियो बना आपको तक पहले पहुंच सके, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।